नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में, जिसमें आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 5 हथियारों से ममता बनर्जी से बंगाल छीनने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने 4 महीने बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल 294 सीटों में से 200 प्लस पर पार्टी की जीत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए खुद अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी ने चुनावी रणनीति बनाते हुए राज्य को 5 चुनावी जोन में बांटा है और हर जोन के लिए एक संगठन महामंत्री को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। बता दें कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों की फौज भी उतारी गई है। बीजेपी निम्न सियासी हथियारों के जरिए 10 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिजती दी, यानी ममता बनर्जी को अपदस्थ करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह अलग बात है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये स्पष्ट नहीं है। पार्टी का मूल मकसद बस राज्य में सत्ता प्राप्ति है। बंगाली पुनर्गौरव के बहाने हिंदुत्व के तीर और ध्रुवीकरण की कोशिश, दलितों और ओबीसी को लुभाने की कोशिश, एंटी इनकम्बेंसी और लाचार कानून व्यवस्था के बहाने बदलाव की अलख शरणार्थियों को साधने की रणनीति के जरिए बीजेपी अब की बार बंगाल में अपनी सरकार लाने की पूरी तैयारी में है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।